भी जा रहा है, आवाज भी जा रहा है। छठ है इस राज्य की सभी महिलाओं के खाते में एक एक हजार रुपया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर महिलाओं से कि आपके खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आवाज भी जा रहा है। छठ है इसमें भी अभी 1000 अभी आपको मिलने वाला है। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के चौथी किस्त के पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौथी किस्त का पेमेंट छठ पूजा के समय होना था, लेकिन अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महिला सम्मान योजना की चौथी किस्त का पेमेंट कब तक होगा और किनको किनको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आज का अपडेट है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि महिला सम्मान योजना के चौथी किस्त का पेमेंट किनको किनको मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए कि चौथी किस्त की राशि किन्हें मिलेगी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस अपडेट में लिखा गया है कि महिला सम्मान योजना के सभी तीसरी किस्त की राशि प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं को चौथी किस्त की राशि मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस अपडेट में लिखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिनको तीसरी किस्त का पेमेंट मिला है उनको चौथी किस्त का पेमेंट पक्का मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जिनको तीसरी किस्त का पेमेंट नहीं मिला था, हो सके उनके फॉर्म भरने में या फिर बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से उनको तीसरी किस्त का पेमेंट नहीं मिला था, लेकिन अगर वह सुधार करवा लिए हैं तो उनको तीसरी किस्त का पेमेंट और चौथी किस्त का पेमेंट दोनों मिल जाएगा, इस अपडेट में लिखा गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जिन महिलाओं को किसी कारण तीसरी किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी और उन्होंने हुई त्रुटि में सुधार कर ली है, तो फिर उन्हें भी चौथी किस्त की राशि मिलेगी। यानी तीसरी किस्त के पेमेंट में कुछ इशू हुआ था जिस वजह से तीसरी किस्त का पेमेंट नहीं मिला था, तो उनको तीसरी किस्त और चौथी किस्त दोनों का पेमेंट यानी कि 2000 रुपया एक साथ दिया जाएगा, जो कि इस अपडेट में लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी कि चौथी किस्त के पेमेंट को लेकर यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर इस अपडेट में लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान योजना के प्रत्येक किस्त की राशि महिलाओं के खाते में महीने के शुभ अवसर के पहले ही किस्त राशि ट्रांसफर कर देती है, ताकि शुभ अवसर की खरीदारी में महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके। यानी जो भी पर्व त्यौहार है, पर्व त्यौहार के शुभ अवसर पर महिला सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित की जाती है। जैसे कि बोला भी गया था कि छठ पूजा के समय चौथी किस्त का पेमेंट जारी होगा, लेकिन अभी तक इसका पेमेंट जारी नहीं हुआ है। आगे देखिए आगे क्या लिखा गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि महिला सम्मान योजना के पहली किस्त की राशि महिलाओं के खाते में 18 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर से पहले ट्रांसफर की गई थी, जबकि दूसरी किस्त की राशि 13 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर ट्रांसफर की गई थी। उस समय हमारा कर्म पर्व भी था। इसके अलावा तीसरी किस्त की राशि महिलाओं के खाते में नवरात्रि के शुभ अवसर पर ट्रांसफर की गई। दुर्गा पूजा के समय पैसा भेजा गया, जिनको दुर्गा पूजा के समय पैसा नहीं मिला था उनको दीपावली के समय भी पैसा भेजा गया। और अभी देखिए ये जो तीसरी किस्त की जो राशि है लगभग 53 लाख महिलाओं को मिला था, तो ही मान के चलिए कि चौथी किस्त की जो राशि है ये भी 53 लाख महिलाओं को मिलेगा। ठीक इसी तरह महिला सम्मान योजना के चौथी किस्त की राशि भी महिलाओं के खाते में छठ पर्व के शुभ अवसर के पहले ट्रांसफर की जा सकती है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर चौथी किस्त का पेमेंट आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अगर आप यहां पर देखेंगे इस अपडेट में, जो कि आज का अपडेट है, इसमें लिखा गया है कि महिला सम्मान योजना की चौथी किस्त कब आएगी, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के अनुसार महिला सम्मान योजना की चौथी किस्त की राशि सभी पात्र महिलाओं के खाते में छठ पूजा के पावन अवसर पर भेजी जाएगी। ऐसे में चौथी किस्त की राशि महिलाओं के खाते लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के अनुसार महिला सम्मान योजना के चौथी किस्त की राशि सभी पात्र महिलाओं के खाते में छठ पूजा के पावन अवसर पर भेजी जाएगी।
ऐसे में चौथी किस्त की राशि महिलाओं के खाते में 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। और देखिए 8 नवंबर भी हमारा लगभग पार हो गया है, लेकिन अभी तक महिला सम्मान योजना का जो पेमेंट है नहीं आया है। तो देखिए जो डेट दिया गया था डेट पार हो गया है, हो सके अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव के प्रचार प्रसार में थोड़े बिजी होंगे, तो एक दो दिन के भीतर मतलब मान के चलिए कि 10 तारीख तक 10 नवंबर तक आप लोगों के अकाउंट में कभी भी महिला सम्मान योजना की राशि आ सकती है। आगे देखिए कल्पना सोरेन जी ने महिला सम्मान योजना को लेकर क्या कहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कल्पना सोरेन जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके क्या कहा है। इन्होंने लिखा है कि राज्य में पहली बार महिला सम्मान योजना के तहत हमारी बहनों को सच्चे अर्थों में सम्मान देने की पहल की गई है। हमने जो वादा किया था उसे समय से पहले निभाया भी है, और अभी जो वादा हुआ है छठ पूजा के समय पैसा आने का, ये भी पैसा आप लोगों को एक दो दिन के भीतर मिल जाएगा। अब हम इस वादे को एक कदम और आगे ले जा रहे हैं, सम्मान राशि को 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया करने का संकल्प लिया है। और दिसंबर से आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगा 1000 रुपया नहीं मिलेगा बल्कि आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। आप देख सकते हैं इस चीज को लेकर एक यहां पर फोटो भी जारी किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि अब से 30 दिन बाद महिला सम्मान योजना की जो राशि है दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी, और हर महीना हर यहां पर महिला को यानी कि हर मैया को दिसंबर से 2500 रुपया दिया जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जिनको महिला सम्मान योजना का जो पैसा है अभी तक नहीं मिला है तो इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है कि उनके अकाउंट में महिला सम्मान योजना की जो राशि है कब तक भेजी जाएगी, आप देख सकते हैं। वर्तमान में 1000 मासिक आना आरंभ हो गया है, सभी को अभी 1000 रुपया करके मिल रहा है। जिनका नहीं आया है उनका पैसा आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनके खाते में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जिनको भी महिला सम्मान योजना की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है उनके अकाउंट में भी जैसे ही आचार संहिता हट जाता है, आचार संहिता हटने के बाद उनके भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और दिसंबर से सबके खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। महिला सम्मान योजना को लेकर ये तो आदेश जारी हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने और यहाँ पर कुछ आदेश जारी किया है, आप देख सकते हैं सभी झारखंडी हर पर्व त्यौहार खुशी से मनाएं। इसको लेकर देखिए अभी जो वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है, ठीक है, जो भी महिला या फिर पुरुषों को जो भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है इसकी राशि भी 1000 मिल रही है, तो इसमें भी वृद्धि हो सकती है। जैसे कि इसमें बताया गया है महिला सम्मान योजना की राशि दिसंबर से 2500 रुपया हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर बिजली बिल है, बिजली बिल जो भी बकाया था इसको भी माफ किया गया है, और 200 यूनिट तक बिजली यहाँ पर फ्री किया गया है, और यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और बीजेपी ने भी यहाँ पर कुछ प्रण लिया है। अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती है तो सबसे पहले जो योजना लागू होगी जिसका नाम है गोगो दीदी।